एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेसिपीज विद यास्मीन। आज मैं आप लोगों के लिए मुहर्रम में बनने वाला स्पेशल शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि दूध से बनता है। बहुत ही कम चीज़ों से आप घर में इसे बना के रेडी कर सकते हो। शरबत की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका प्रीमिक्स बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हो और 6 महीने तक यूज़ कर सकते हो। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है और क्विक रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। शरबत बनाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए, जिसमें मैंने काजू और बादाम ली हूँ। जितना शरबत आप बना रहे हो उसके हिसाब से ले सकते हो। इसे हमें ग्राइंडर जार में ऐड करना है। यहाँ पे हम नॉर्मल चम्मच का यूज़ कर रहे हैं, जो हम शक्कर पत्ती के लिए घर में यूज़ करते हो। वो चम्मच से हमें यहाँ पे 12 से 13 चम्मच शक्कर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ली हूँ। आप कोई भी कंपनी का वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हो। वही नॉर्मल चम्मच से 4 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर भी इसमें हम ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को एक ही जार में ऐड करना है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर या अच्छी इलायची के दाने आप ऐड कर सकते हो। जितना इलायची का फ्लेवर आपको पसंद हो उतना आप डाल सकते हो। चीज़ों को जार में ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे और एक इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। और ये हमारा शरबत का प्रीमिक्स बन के रेडी है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में रख के कम से कम 6 महीने तक यूज़ कर सकते हो। ये जो टोटल प्रीमिक्स है 1 लीटर दूध का है। यहाँ पे हम 1/2 लीटर दूध का शरबत बना रहे हैं। या आप ग्लास से नापोगे तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास भर के दूध ली हूँ, और अगर लीटर से नापोगे तो 1/2 लीटर दूध है। मैंने ये शरबत बनाने के लिए फुल फैट मिल्क का यूज़ की हूँ। आप चाहे तो कोई भी दूध जो आपके घर में मौजूद हो वो ले सकते हो। सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करके हाई फ्लेम पे दूध को हमें 1 बॉईल आने तक पकाना है। साथ ही में मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे ऐड की हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड करें। ऐड करने से शरबत में एक बहुत अच्छा सा कलर, टेस्ट और खुशबू आ जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे वो येलो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ हमारे दूध को अच्छे से बॉईल आ चुका है। दूध को एक बार अच्छे से हला देंगे, मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमने शरबत का प्रीमिक्स बनाया है उसमें से 1/2 प्रीमिक्स इसमें ऐड कर देंगे। आधा मतलब 4 से 5 चम्मच भर के। पहले मैंने इसमें 4 चम्मच ऐड की हूँ, और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो है। लो फ्लेम पे इसे हम अच्छे से चलाते जाएंगे, क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर वो नीचे लगने लगता है। तो आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़े, कंटिन्यू आप इसे चलाते रहे। 4 चम्मच ऐड करने के बाद मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 और चम्मच इसमें ऐड कर दी हूँ। मिक्स हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है, वरना जो शरबत है बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और जो शरबत है वो रबड़ी की तरह लगने लगेगा। तो आप ये ध्यान रखें, बिल्कुल हिसाब से ऐड करें। प्रीमिक्स ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे इसे हमें कम से कम 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और एक अच्छा सा बॉईल आने तक पका लेंगे। यहाँ पे आप शरबत का टेक्सचर देख सकते हो, कितनी अच्छी तरीके से हमारा शरबत पका है। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया और इसे मैंने साइड में रख लिया। इस तरीके से चम्मच से हला के इसे हम ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे। शरबत को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये थोड़ा सा गर्म है अभी भी, लेकिन आइस क्यूब जैसे ही ऐड करोगे ना तो अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और ये हमारा मज़ेदार सा शरबत बनके बिल्कुल रेडी है। ऊपर से थोड़े से मैंने इसमें पिस्ता और कटे हुए बादाम गार्निशिंग के लिए ऐड की हूँ। इसे ठंडा ठंडा आप सर्व करें। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शरबत बनता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आप इस मुहर्रम में इसे ज़रूर बनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको शरबत कैसा लगा। आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।